हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास नाइन्थ के मंथ अगस्त का सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको जो है मंथली टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। फिलहाल देखिए, चलिए पूरा हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है स्टूडेंट्स आपका, राइट द कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश ए टू जेड। जी हां स्टूडेंट्स, तो इतना आपको खुद करना है। जी हां, आपको अल्फाबेट लिखने को कहा गया इसमें। मींस आपको ए बी सी डी कैपिटल में और स्मॉल में एक बार लिखनी है। मींस आपको एक बार जो है कैपिटल में लिखना है ए बी सी डी को ए टू जेड, और साथ में फिर आपको इसके बाद आपको लिखना है ए टू जेड स्मॉल में। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको ए में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट दी कॉन्सोनेंट ब्लेंड। जी इस तरीके से आपको बोला गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका देखिए कुछ इस तरीके से आपको घड़ी का चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बच्चों, इसको फर्स्ट में आपको देखिए सी एल लिखना है। जी हाँ, सी एल ओ सी के। जी हाँ बच्चों, ये आपका इतना दिया हुआ है, आपको यहाँ पर सी एल लिख लेना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ सी और एल लिख लेना है, पहले यहाँ क्लॉक हो जाएगा आपका। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला है, तो अगले में देखिए यहाँ बी में, तो बी में स्टूडेंट्स आपको यहाँ प्लांट लिखना है। जी हाँ, पी एल आपको यहाँ लिख लेना फर्स्ट में, तो आपका प्लांट हो जाएगा पी पी और एल। जी हाँ, प्लांट आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पर प्लांट, प्लांट की स्पेलिंग देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये प्लांट है। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए ए एन टी दिया है, तो आपको पी और एल पहले लिख लेना है। इस तरीके से आपका सेकंड का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट करेक्ट साइलेंट वर्ड्स। इस तरीके से आपको बोला गया है, इसमें साइलेंट वर्ड आपको लगाने। देखिए ए में आपको ऑनेस्ट दिया हुआ है, मीन्स आपको यहाँ एच लगाना पड़ेगा। जी हाँ, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो आपको यहाँ पर एच फर्स्ट में लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका बी है, तो बी में आपको देखिए नाइफ, यहाँ पर आपका के लगाना पड़ेगा। जी हाँ, के फर्स्ट में आपको लगाना है, इसको जैसा का वैसा लिख लेना है। इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर टू का कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका थ्री है, तो थ्री में बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। जी हाँ, पहले पेरेंट्स है, दूसरा आपका देखिए फार्मर है, तीसरा आपका क्लोबर कोबलर है। तो इस तरीके से बच्चों तीनों के आंसर, तीनों के आंसर हम यहां देख लेते हैं। तो देखिए आप तीनों के आंसर यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के। पहला आपका पेरेंट्स, तो आपको लिखना है इसमें मदर एंड फादर। सेकंड आपका फार्मर, तो फार्मर में वो ग्रोस क्रॉप्स, इस तरीके से बच्चों आपको सेकंड में लिखना है। और सी में आपको देखिए कोबलर, तो कोबलर में आपको लिखना है वो मैक्स मैक सू। जी हां, इस तरीके से बच्चों तीनों के आंसर क्वेश्चन नंबर तीन के एक आंसर आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो वीडियो को रोककर आप इसका आंसर पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर थ्री बी, मैच द राइमिंग वर्ड्स। आपको देखिए राइमिंग वर्ड्स मिलाने को कहा गया है। तो देखिए आपका साउंड का जो है राउंड हो जाएगा, इसके बाद आपका लुक है तो उसका आपका बुक हो जाएगा, इसके बाद आपका दे है तो उसका बे हो जाएगा। इस तरीके से इसको पूरा आपको मिला लेना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, मेक द मेक थ्री सेंटेंस बाई यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। इस तरीके से आपको बोला गया, आपको बॉक्स में को देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको इनकी वर्ब और आपको ये लास्ट में जो सेंटेंस आपको इसका बनाने को कहा गया। तो बच्चों इसका आंसर राइट आंसर देखिए हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। देखिए पहले में आपको लिखना है आई कैन डांस, सेकंड में आपका हो जाएगा यू कैन नॉट ड्रॉ, और थर्ड में आपका हो जाएगा सी कैन रन। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपका, रेट द फॉलोइंग स्टोरी। आपको कुछ यहां पर इस तरीके से स्टोरी जो लिखी हुई है आपकी, इस पर इसके बाद आपको जो यहां पर इसी से रिलेटेड कुछ आंसर इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन टू और थ्री। देखिए तीन क्वेश्चन आपको यहां पूछे गए हैं, चलिए इनके आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है द जैकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये आपके पहले के क्वेश्चन का आंसर है उस पैसेज के। सेकंड का आंसर देखिए लायन कैम नियर देयर डेन, इस तरीके से सेकंड का आंसर ये, और थर्ड का आंसर लायन गॉट स्कैर्ड एंड रेन अवे। इस तरीके से बच्चों आपको देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव के पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमने आपको यहां प्रोवाइड करवा दिया है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर आपके अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।